यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। दूसरों की सुरक्षा का दम भरने वाली खाकी ही जब अपनी नैतिकता और जिम्मेदारी को भूलने लगे तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस स्थिति में जनता किसका रुख करे। जब खाकी ही दागदार हो जाए तो फिर किस पर विश्वास किया जाए। एक ऐसा ही मामला पंचकुला से सामने आया है जहां पर एक पीड़िता भी पुलिस वाली है और आरोपी भी पुलिसकर्मी है। पीड़िता ने हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल वीरेंद्र पर रेप की कोशिश जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि जब वो अपने घर में कपड़े धो ही थी उस दौरान आरोपी उसके घर में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इस बीच किसी तरह से बेडरूम में घुसकर उसने अपनी आबरू बचाई। मामला करीब 1.5 महीने पुराना है। पीड़िता इसकी लिखित शिकायत भी पुलिस से कर चुकी है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई करना तो दूर उल्टा पुलिस मुलाजिमों और अधिकारी उसके ऊपर समझौते का दबाव बना रहे हैं। वहीं जब इस बारे में हमारी टीम ने कैबिनेट मंत्री कविता जैन से बात की तो उनका कहना था कि ऐसे मामलों की जांच के लिए हर एक विभाग में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी गठित की हुई है। जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा चाहे वो सरकारी अधिकारी ही क्यों ना हो सरकार उसमें संज्ञान लेगी और आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। शशि किरण अरोड़ा हमारी संवाददाता पंचकुला से फोनलाइन पर हैं। शशि, अभी इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से जो महिला हमारे सामने आई, इसने अपना जो दुखड़ा हमारी टीम के सामने रोया, इसका यही कहना है कि तकरीबन 1.5 महीना हो गया शिकायत अपनी देते देते लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मामले को दबाने में जुटे हुए, मेरे पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्योंकि जबकि जो उसके अपराधी जो आप आरोपी है उसके हौसले इतने बुलंद है कि आम सरेआम वो धमकियां देने से भी बात नहीं आता और अश्लील हरकतें वो करता है क्योंकि घर के सामने दोनों का आमने सामने जो घर है सरकारी जो आवास इनको मिला हुआ पुलिस की तरफ से, तो पीड़िता इस कदर दुखी है कि उसका कहना है कि घर से निकलना भी उसका मुश्किल हो गया है। और जिन पुलिस अधिकारी को मामले की जांच के लिए लगाया गया उन्होंने अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी लेकिन उस अधिकारी का तबादला कर दिया जाता है क्योंकि वो अपनी सही रिपोर्ट सौंपती है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने महिला थाना की जो थाना प्रभारी है उस पर जो संगीन आरोप लगाए हैं कि वो मामले में जो टालमटोल कर रही है, आरोपी को बचाने में लगी हुई और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने दे रही। जी शशि, जब आपने बात की कैबिनेट मंत्री कविता जैन से बात की, उन्होंने क्या आगे आदेश दिए हैं, क्या कुछ आश्वासन उनकी ओर से मिला? जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि हमने जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट जो केसेस आते हैं उनके लिए कमेटी का गठन किया गया है, कोई भी मामला इस तरीके का संज्ञान में आता है उसकी जांच करके सरकार उसमें इमीडिएट एक्शन लेगी और आरोपी को किसी भी सूरत में जो है बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा ये जो है साफ कर दिया है और साथ ही हालांकि कहा गया है कि इसमें उचित कार्रवाई जो है वो जरूर होगी। न्याय की तलाश में हालांकि पीड़िता को करीब 1.5 महीने से भटकना पड़ रहा है। बहरहाल उसे आश्वासन मिला है कि जल्द ही उचित कार्रवाई जो है इस मामले में होगी।